हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे फ्लो चार्ट फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ 216 बिट नंबर की। तो देखिए, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जो प्रोग्राम आपको बनाया था, माइक्रोप्रोसेसर प्रोग्राम बना के आपको दिया था और एक्सप्लेन किया था कि कैसे 216 बिट नंबर को हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं 8085 माइक्रोप्रोसेसर से। आज हम उसी प्रोग्राम का, यानी जिन स्टूडेंट ने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है वो प्लीज़ उसको रिफ़र कर लीजिए। आज हम उसी का फ्लो चार्ट आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो फ्लो चार्ट फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ 216 बिट नंबर्स, ठीक। इसलिए जिन भी स्टूडेंट्स ने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है उसको देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। अदरवाइज में देखिए प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ शॉर्ट में, कि हमारे पास 216 बिट नंबर स्टोर हैं और मेमोरी लोकेशन किस में, मेमोरी लोकेशन देखिए D000H, ठीक, फिर D001H, फिर D002H, D003H एंड देन D004H और D005H, ठीक। अब फर्स्ट नंबर यहाँ पे स्टोर है, सेकंड नंबर यहाँ पे स्टोर है, रिजल्ट हमको यहाँ स्टोर करना है, ठीक। अब फर्स्ट नंबर जो है हमारे पास वो क्या है, यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए लिख दे रहे हैं। फर्स्ट नंबर है हमारे पास स्टोर करने के लिए, ठीक है, वो है 1234, ठीक है। जो फर्स्ट नंबर है हमारे पास वो है 1234, ठीक। और जो सेकंड नंबर है वो क्या है, वो है हमारे पास 0100। अब हमको फर्स्ट नंबर में से सेकंड नंबर माइनस करना है और जो रिजल्ट आएगा वो हमको D004H में स्टोर कर देना है। यानी कि रिजल्ट कितना आएगा, अगर हम यहाँ पे रिजल्ट की बात करें तो इसको माइनस कर देंगे तो रिजल्ट आएगा हमारा 1134। ये हम अब इसमें क्या करना है, देखिए फर्स्ट नंबर में, फर्स्ट नंबर का जो MSB है, फर्स्ट नंबर का जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये कहाँ स्टोर करना है, D001H में, यानी यहाँ पे। LSB कहाँ स्टोर होगा, यहाँ पे। सिमिलरली जो सेकंड नंबर है उसका MSB कहाँ स्टोर करना है, 3 में, तो 3 हो गया आपका यहाँ पे। और LSB कहाँ करना है, यहाँ पे, ठीक। और रिजल्ट जो आएगा तो रिजल्ट का भी MSB कहाँ स्टोर होगा, D005 में, और LSB कहाँ स्टोर होगा, यहाँ पे। ये काम हमको माइक्रोसर की मदद से करना है। अब इसका जो प्रोग्राम है वो तो हमने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में, जो इसका असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है वो हमने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया था। आज इसी का हम फ्लो चार्ट बना देते हैं, ताकि अगर कुछ कन्फ्यूज़न भी है तो वो भी आपको, जब वो प्रोग्राम और ये फ्लो चार्ट दोनों मिला के आप पढ़ेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो आपको मालूम है सबसे पहला जो स्टेप आता है फ्लो चार्ट में वो क्या होता है, स्टार्ट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये प्रोग्राम को हमने स्टार्ट किया यहाँ पे, दिस इज स्टार्ट। अब उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले हम पहले नंबर को लोड करेंगे। तो हमने यहाँ पे से पहला ये ब्लॉक दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया लोड द फर्स्ट 16 बिट नंबर, लोड द फर्स्ट 16 बिट नंबर एंड स्टोर इट इन सेपरेट रजिस्टर, एंड स्टोर इट इन सेपरेट रजिस्टर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम लोड करेंगे 16 बिट नंबर को और उसको फिर हमें दूसरे रजिस्टर में उसको स्टोर कर देना है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये कार्रवाई होगी, सबसे पहले तो HL पेयर में वो जाएगा डाटा, तो H में आ गया,
वन टू एच, फिर एल में आ गया थ्री फोर एच, और उसके बाद ये ट्रांसफर हो जाएगा डी पेयर में, तो डी में आ गया आपका वन टू एच, और ई में आ गया आपका थ्री फोर एच। पहला काम तो ये हो गया। अब उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, लोड द सेकेंड 16 बिट नंबर। अब दूसरा जो 16 बिट नंबर है हमारे पास, उसको लोड करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा लोड द सेकेंड 16 बिट नंबर, ठीक है। अब इसको हम लोड करेंगे तो क्या स्टेप्स आ जाएंगे, जो 16 बिट नंबर है वो हमारा लोड हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा एच में आ जाएगा आपका 01 और एल में आ गया 00, ये सेकेंड नंबर भी लोड हो गया। अब क्या करेंगे, सबट्रैक्ट द टू लोअर बाइट्स, पहले दो लोअर बाइट्स को सबट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा सबट्रैक्ट द टू, दोनों नंबरों के जो लोअर बाइट्स हैं, टू लोअर बाइट्स, उनको आप सबट्रैक्ट करेंगे। तो उनको जब आप सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या ऑपरेशन होगा, तो होगा आपका इसको यहाँ पे शो कीजिए, ये यहाँ पे हो गया ए में आ गया आपका ए इक्वल टू हो गया लोअर बाइट क्या है 3 4 माइनस 0 0, यानी ए में हमारा 3 4 आ गया एक्यूमुलेटर में, ठीक। उसके बाद सब्ट्रैक्ट द टू हायर बाइट्स विद बोरो, फिर हम क्या करेंगे, दो हायर बाइट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे और अगर कोई बोरो है तो उसको भी कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सब्ट्रैक्ट द टू हायर बाइट्स विद बोरो, विद बोरो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर ये ऑपरेशन होगा कि ए में कितना आ जाएगा, ए में आ जाएगा 1 2 H माइनस 0 1 H माइनस 0, ठीक है, क्योंकि कोई बोरो नहीं है। ए में आ गया आपका सीधा सीधा 1 1, ठीक। और ये जो ए में 1 1 आ गया, अब हम क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे रिजल्ट को। तो हमने कहा स्टोर द रिजल्ट, स्टोर द रिजल्ट। अब जब यहां पे रिजल्ट स्टोर होगा तो D004H, इस मेमोरी लोकेशन पे क्या आ जाएगा, लोअर बाइट्स मतलब 3 3 4H आ गया और MSB आ गया 5H पे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 1 1H, ठीक। ये आपको इस तरह फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। और जब फाइनल रिजल्ट मिल गया उसके बाद आप यहाँ प्रोग्राम को स्टॉप कर दीजिए, ये हो गया स्टॉप। तो इस तरह से जो हमने पिछला जो प्रोग्राम बनाया, सब इसी प्रॉब्लम का जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम बनाया हमने पिछले वीडियो लेक्चर में, उसको आप इस फ्लो चार्ट की मदद से इजीली समझ सकते हैं। और अगर अभी भी नहीं कुछ क्लियर हुआ हो, अगर कोई भी डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिएगा, क्योंकि अभी तक जो आपको अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस हमने पढ़ाया था, जितना भी शुरू से हमने आपको अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस पढ़ाया था उस पर बेस्ड ये हमने आपको कुछ प्रोग्राम करा दिए हैं, इससे आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो गए होंगे। और नेक्स्ट चैप्टर जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे फिर लॉजिकल ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब वो इंस्ट्रक्शंस जो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो पहले हम उन सारे इंस्ट्रक्शंस को आपको एक्सप्लेन करेंगे जैसे अभी तक करते आए हैं, कि उस इंस्ट्रक्शंस की क्या निमोनिक है, क्या एल्गोरिथम है
है ना, क्या ऑपरेशन वो परफॉर्म करता है, फ्लैग का स्टेटस क्या रहता है उनके परफॉर्म होने के बाद, और जब वो इंस्ट्रक्शन लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर उस पर बेस्ड हम प्रोग्राम कराएंगे आपको। तो आई होप कि आपको माइक्रोसॉफ्ट समझ में आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे आप लेक्चर को। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कुछ और आप चाहते हो इसके साथ में, इंस्ट्रक्शंस में अगर नहीं क्लियर हो रहा हो तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।